जैसा कि आप जानते हैं, चाइना में फिर से कोरोना आउटब्रेक हुआ है, जिसकी वजह से वहां पे हालत बहुत खराब है। ऑन दी अदर हैंड, अगर हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो इंडिया में सिचुएशन काफी बेटर है, जिसका क्रेडिट जाता है इंडिया की वैक्सीनेशन पॉलिसी को। हालांकि देश की ज्यादातर आबादी को वैक्सीनेट किया जा चुका है, लेकिन अभी भी कुछ परसेंट ऑफ पॉपुलेशन ऐसी है जो वैक्सीनेशन के लिए रेडी नहीं है, जिसका कारण है उनका बिना हाथ पैर का डर, रेजिस्टेंस और र्यूमर्स। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या गवर्नमेंट ऐसे लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए कंपेल कर सकती है, क्योंकि इन कुछ लोगों की वजह से पूरी कंट्री के लोगों की जान खतरे में पड़ रही है। इसी सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने जेकब पुलियर केस में दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा जो ये मैंडेटरी वैक्सीन पॉलिसी इम्पोज की गई है, वो लोगों के राइट टू बॉडीली इंटीग्रिटी अंडर आर्टिकल 21 का क्लियर कट वायलेशन है। इस जजमेंट के पीछे सुप्रीम कोर्ट का रीजन ये था कि गवर्नमेंट ने ऐसा कोई डेटा प्रोड्यूस नहीं किया जो ये शो करे कि अनवैक्सीनेटेड पर्सन से कोविड स्प्रेड होने की रिस्क ज्यादा है एज कम्पेयर टू दोस हु आर वैक्सीनेटेड। इसीलिए गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को वैक्सीन लगवाने के लिए मैंडेट नहीं कर सकती। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइए।